हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम जानेंगे कैसे हम कूलर के पंप की मदद से एक अल्टरनेटर बना सकते हैं, जिसमें हमें ज़रूरत लगेगी एक 12 वोल्ट बैटरी की और एक मोटर की। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये कूलर का जो पंप होता है उसको सिंपली कुछ इस तरीके से हम कट कर लेंगे, और ये वही वायर हैं जिनको हम कूलर के पंप को सप्लाई देते हैं, और हम इन्हीं वायर से आउटपुट ले भी सकते हैं। सबसे पहले हमें एसी आउटपुट लेने के लिए इसको स्विच बोर्ड में कनेक्ट करना होगा, तो हम कुछ इस प्रकार कनेक्शन कर लिए हैं। हम चाहे यहाँ पर एक सॉकेट भी ले सकते हैं। हमको कूलर की मोटर में कुछ इस प्रकार एक मैग्नेट देखने को मिलता है, जिसको हम सिंपली मोटर के शाफ्ट में फिट कर देंगे, और मोटर को सप्लाई देने के लिए इसमें वायर सोल्डरिंग कर देंगे। मोटर के शाफ्ट को सिंपली कुछ इस तरीके से अंदर कर देंगे। और हम मोटर को सप्लाई देने के लिए 12 वोल्ट की बैटरी का यूज़ करेंगे। तो देखिए, सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इससे हम इस बल्ब को जला के देखते हैं। और अब हम इस 12 वाट की LED को जलाकर देखेंगे। आप देख सकते हैं क्या कैपेसिटर है। आप देखिए, इसमें हमने दो फोन कनेक्ट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं दोनों मोबाइल में चार्जिंग स्टार्ट हो गई है।